हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है वाशु। हाय। और आओ, काफ़ी लंबे टाइम के बाद सेम शर्ट के साथ मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने घर। बोले घर तो क्या, शूट पे अभी भाई। वापस आ जा जल्दी। गया हूँ नहीं भाई, जाने की तैयारी। तो अभी जा रही एयरपोर्ट की साइड और देन मतलब शूट है, क्या है देखते हैं, मशाल का है जो भी है। शूट पे? हाँ, शूट पे ज़्यादा लोड मत डालना। चलो भाई मिलते हैं, सी यू, बाय। तो भाई अभी एयरपोर्ट आ चुके हैं, वाशु अपना फॉर्मल में तैयार होते हुए लड़का। तो भीम पवन भाई इज लुकिंग रियली स्मार्ट टुडे। थैंक यू ब्रो। कोई नहीं, हो जाएगा। तो भाई एयरपोर्ट एंट्री कर चुके हैं। तो भाई CIA सब का अपना एक बंदा मिल गया था, रविंदर, मतलब फैन था, तो इसलिए एकदम से वीडियो स्टॉप करनी पड़ गई। दैट्स अ रीजन। और ये क्या ढूंढ रहा है भाई? आई एम वॉचिंग फॉर द गेट्स मैन। गेट्स किधर हैं भाई हमारे? गेट्स, जिस गेट से जाना है। ऑल गेट्स इज देयर। यस भाई, इतना छोटा एयरपोर्ट भी नहीं है जितना हम सोच के। 6213। ये वाशु यार कितनी पहले लेके आ गया तू भाई। ऑलवेज बी ऑन टाइम। अब ये देखो पीछे, हम ही हमारे थे। ये ऑन टाइम का क्या फायदा यार? हमारी टीम ने हमारे लिए पूरा फ्लाइट बुक किया है। फ्लाइट कुछ नहीं, कोई आ ही नहीं रखा। इतनी सुबह तू लेके आएगा जिसमें से 9:30 की फ्लाइट है और अराउंड हम 45 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। वो रूल भी है खैर, लेकिन यार बिल्कुल यहाँ क्या नाम, सिक्योरिटी चेक करने के बाद 45 मिनट भाई। एक चीज़ है ना, आप लोगों को पंक्चुअलिटी सिखा रहे हो कि पंक्चुअल रहना हमेशा अच्छा है। अब मैं भाई ऑन टाइम रहता हूँ हमेशा। मेरी वीडियो देखना जब बोलना परफेक्ट। बोर्ड में पहुँच गए। अरे भाई अपना मास्क IPL के साथ। ये भाई जूस तो हो गया, बूटा बनाया। यहाँ पे भी काम चल रहा है यार। क्या यार भाई, पूरे दिन काम करते रहते हैं भाई। आपके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा है, आपके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा है। कैसे कैसे ट्राई करना है, कैसे कैसे प्रोसेस करना है। प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं, हमारी बॉडी तोड़ने की तैयारी हो रही है कि एक हफ्ते कैसे हमारी बॉडी को ख़राब किया जाए। नहीं, वैसे अच्छी बात है कि बॉडी शेप में ही आएगी, अच्छी है। लेकिन यार ये टाइम तो फ्लाइट में कोई मूवी वगैरह देख ले यार। नहीं भाई, मैं ये टाइम यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मूवी बाद में देख लेंगे। ये टाइम मिल ले आप लोगों की इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी है आप लोगों का ट्रेनिंग, आप लोगों का सेफ्टी और आप लोगों का हेल्थ ज़्यादा प्रायोरिटी। अब इतनी लंबी स्पीच जो आपने दी 20 सेकंड की, ये डालनी है क्या? नहीं डालनी। चलो ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस जस्ट लैंडेड दिल्ली। अभी लैंडिंग हुई है तो करते हैं आगे भाई, कहीं टैक्सी वैक्सी कहीं मिले तो कोई है क्या? कोई लेने आ जाओ उनको। कोई लेने के लिए आएगा तो डेफिनेटली नोएडा जा रहे हैं होटल में, फिर उसके बाद कुछ शूट का होगा तो देखते हैं। कुछ 12 टीमों के प्लेयर आए हैं तो सभी से मिलवाते हैं। तो वाशु भाई कहाँ है गाड़ी अपनी? गाड़ी एक्चुअली आ रही है, हम थोड़ा टाइम से पहले हैं क्योंकि हम लोगों को अब टाइम से आगे चलने की आदत हो चुकी है, गाड़ी टाइम पे है। एक बात बता, ये दिल्ली की गर्मी में मारना जरूरी है क्या? नहीं मतलब ओट रखी है क्या? इतनी पहले बाहर निकला था। गाड़ी वाले को आप फोन किया? गाड़ी वाले को मैंने फोन किया, आ रहा हूँ। नंबर 955। तो वासु भाई क्या फील हो रहा है भाई? बहुत अच्छा फील हो रहा है फिलहाल तो, पर ये है कि भूखा नहीं मर गया? भूखा तो मुझे बहुत तेज लग रही है, पेट में मरोड़ सी उठ रही है मेरे। फिर फ्लाइट में फूके क्यों ना, 300-400 रुपये लगा देता क्या जाता? पैसे तो लगाए थे, उस टाइम भूख नहीं थी। अरे भूखा मर गया? अब भूख लगी बाद में, जब हम लोग यहाँ से आधा घंटा पहले पेट में मरोड़ सी उठ गई है भूख के मारे, क्योंकि जो जूस पिए थे वो निकल गए। सॉरी भाई, मैं उड़ा रेडिएशन बिलो में जाकर खिलाऊंगा खाना। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये भाई आते ही वाशु ने अपना मुंह धो दिया है। बोले इस चीज पे फोकस करना कि आते ही मुंह वगैरह है। थोड़ा भाई रिफ्रेशिंग लगेगा ना, मुंह धोने के बाद काफी ज्यादा नींद आ रहा था। अब आपके साथ रहना तो रिफ्रेश तो लगना पड़ेगा ना, ऐसे ना डर लगेंगे। आपके साथ रहेंगे तो स्मार्ट लगना चाहिए। मार दिया पॉइंट, मार दिया पॉइंट मार देंगे।
चलो चलते हैं, देखते हैं पवन भाई क्या कर रहे हैं रूम में अपने। लेट्स सी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे को लग रहा है ये अपनी बची हुई पिक्चर कंप्लीट कर रहे हैं जो इन्होंने फ्लाइट में पूरा टाइम अपना काटा है। सबसे लंबी फ्लाइट 3 घंटा 10 मिनट की। आप कौन सी पिक्चर देख रहे हैं बताएंगे कौन भाई? भाई ये अक्षय कुमार की कठपुतली मूवी आई है भाई, बहुत बढ़िया मूवी है। तो आई थिंक आपने खत्म कर दिया लगता है मूवी। 7 मिनट की बात, 7 मिनट की। कैरियन भाई आपको परेशान नहीं करेंगे हम। कैरियन तो सही है भाई, तेरा सही चल रखा है। ठीक है ठीक है, चलो भाई देख लेते, अच्छी मूवी है। अच्छी मूवी, ओके। तो भाई अब हम जा रहे हैं लंच करने, तो भूख लग रखी है सुबह से यार, ऐसे ही फ्लाइट में 3-3.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो लंच करके आ जाए यार। या मैं की या आई हैव की, दिस इज माय रूम 1-7। हर काम के पीछे 7 भाई, ये हो गया। चल लगी रहने दे ना, तेरी की तो आ जाएंगे ऊपर, चल पड़ा रहने दे। तो भाई कोच्ची के आने के बाद अब भी हो चुके आज शाम, तो शाम तक ऐसा रहा कि जो भी मेरे दिल्ली के दोस्त थे उनसे मेरा मिलना रहा, तो ये मेरा रूम है, यहाँ मैं अकेला हूँ। तो देन अब भी चलते हैं कि वाशु भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे मिले नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ दोस्तों के साथ था, टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम। तो उनका देखना है कि वो करते क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं काफ़ी देर से मिले, 3-4 घंटे हो चुके हैं, शाम हो चुकी है, तो मिलवाता हूँ। अरे यार किसकी घंटी बजा दी, ये रूम नंबर था। वो बाहर ना आ जाए यार, सॉरी गाइस कि गलत घंटी बजा दी मैंने। और ये हमारे वाशु भाई फोन पे लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने सोचा ही हुआ था कि भाई करता क्या होगा, जैसे कट कट क्यों कर रहा भाई, गर्लफ्रेंड का रखा क्या? नहीं नहीं, अपनी बहन मम्मी से बात करना पवन भाई। अरे चलो भाई, मैं अपने मतलब जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको दिखाना चाहता था कि भाई मेरा भाई कर क्या रहा है यहाँ पे, अपनी मम्मी से बात कर, तो माँ से भाई, वाह माँ का लाड़ता। तो अभी इसी के साथ देखते हैं कि प्रदीप क्या कर रहा है। ओके, तो क्योंकि अरे वाडी एंडी देखते हैं भाई प्रदीप नरोड़ा क्या सीन है, आएगा यार बिना कपड़ों के 100-200% चांस है। लेट्स सी। जैसे बोला था 200 भाई, क्या नाम है, बिना कपड़ों के अपना प्रदीप नरवाल दुबके किंग भाई। करूं मैं पर क्यों कर ले, बात के बाद होगी ये अपने भाई साहब प्रदीप नरवाल। यू भाई तो कई बार गा रहा है। हाँ काफी देर गा। तो भाई मेरे व्यूअर ने क्या कहना चाहोगा प्रदीप भाई? मतलब हुआ ना तो तेरे काम है क्या, हुआ ना इधर नीचे नहीं है, तो क्या कहना चाहो मेरे व्यूअर ने? मैं ये कहना चाहूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो अपने भाई ने, तो मेरा नया नया चैनल बनाया है, हां YouTube चैनल बना भाई पवन ने नया, तो फॉलो करो भाई सभी इसको। फिर ईवी की बार प्रदीप नरवाल रिकॉर्ड ब्रेकर कुछ नए रिकॉर्ड दिखाओगा? नहीं दिखाओगा, बिल्कुल दिखाने होंगे भाई। कितनी नहीं यूपी ने तो जीतने मत दिए, बाकी तू कितना अच्छा खेल है भाई, तेरी खेल है यूपी ने की बार नहीं गिरती है, कितनी अभी भी आई है। अच्छा हाल ही गिरते कि मैं धमाल दिखाएंगे भाई, मक्कला बाकी भाई मैं चाहूं प्रदीप नरवाल ना दिल से मेरा फेवरेट राइटर है कि वो अच्छा खेला है, यूपी टीम भले हार जाए। चलो गाइस मिलते हैं बाद में। तो भाई जिस काम के लिए आए थे उसके लिए आ चुके हैं, वैनिटी वैन में पहुंच चुके हैं, वासु इज हियर और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए यार। तो भाई अब भी है, अभी और प्लेयर भी आने बाकी हैं, तो देखते हैं। तो भाई तमिल त्राईवास की किट आ चुकी है, अब भी थोड़ी मैंने मेजर के लिए भेजी है, क्योंकि थोड़ी अभी मैंने वेट कम किया है, देन मैं फिट हो चुका हूँ, तो किट की फिटिंग फिर से फिट करनी पड़ेगी। अच्छी नहीं थी जो भी उसका मेजर थोड़ा और अच्छा करने के लिए भेजी है, तो दिखाता हूँ आपको कि तमिल त्राईवास की किट कैसी लगती है।
एंड फिट करने का राज ये है जो कंटिन्यूस मेरे पे तमिल तलाईवास पे काम कर रहा है और फिट कर रहा है, आगे भी और काम होगा अच्छे से और आपके बेस्ट के लिए सब कुछ होगा हर दिन। नहीं, वैनिटी मैन में बैठ के ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर रहा है तो क्या कर देगा पूरे? यहाँ बिल्कुल पूरे करूँगा, प्रॉमिस जो करता हूँ पूरे। चलो भाई पूरे प्रॉमिस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे शूटिंग की तैयारी हो रही है, वेंस बनाने की जरूरत तो नहीं है भाई की, ऑलरेडी है, बट थोड़ा सा टचअप देना पड़ रहा है। ही नीड है। और ये तमिल तलाईवास का फर्स्ट लुक। यस, ये तमिल तलाईवास का फर्स्ट लुक किट का। कैसा लग रहा है भाई आपको? काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है न्यू किट पहन के। ओके, तो मतलब ऐसा हो रखा है कि हाँ ठीक है, ठीक है, अभी खेलना है, अभी खेलना है, बहुत टाइम हो गया, अभी अभी मैट पे आना है, धमाल दिखाना है अपना मैट पे। धमाल का तो पता नहीं लेकिन खेलने का मन कर रहा है। ओके, कि काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस चीज के लिए, तो आज किट पहन के ऐसा सा लग रहा है। यस भाई। ओके चलो।